हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये वाला नीटिंग डिजाइन। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये मैंने एक छोटी सी बेबी की, 6 मंथ से 1 ईयर के बेबी की जो फ्रॉक है वो नीट की है, उसमें मैंने ये डिजाइन डाला है। तो इसमें ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसको लेडीज कार्डिगन में डाल सकते हो, गर्ल्स के टॉप में डाल सकते हो, इस तरह की बेबी फ्रॉक में भी डाल सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारा डिजाइन लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये वाला डिजाइन जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये वाली फ्रॉक आपको बना के दिखाऊं तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको ये वाली फ्रॉक बनाना भी जरूर बताऊंगी। तो चलिए हम ये वाला नीटिंग डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये नीटिंग डिजाइन बनाने के लिए हमें फंदे चाहिए 9 के मल्टीपल्स प्लस 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस एंड प्लस 2 एस स्टिचेस। ठीक है, 9 प्लस 9 प्लस 9 करेंगे प्लस 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस एंड 2 एस स्टिचेस। ठीक है, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर लिख दूंगी कि हमें स्टिचेस किस तरह से चाहिए। तो देखिए, ये मैं सैंपल के लिए मैंने इसमें डाले हैं 22 स्टिचेस, 9 प्लस 9 18 प्लस 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस 20 एंड प्लस 2 एज स्टिचेस। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है ये वाला डिजाइन। ये हमारा सिर्फ 4 रोज रिपीट पैटर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो फर्स्ट रो है राइट साइड, देखिए बेस के लिए आप कोई भी बॉर्डर बना सकते हो। मैंने ये सिंपली ऐसे बनाया, देखिए जैसे मैंने ये बेबी फ्रॉक के लिए ये वाला बॉर्डर यूज किया है। और ये डिजाइनर फंदे ये मैंने अपने ऑलरेडी अपने चैनल में डाला है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये 22 फंदे हैं। तो देखिए हमने क्या करना है, ये है हमारा फर्स्ट रो, ये एज स्टिच हमने एज इट इज ऐसे उतार लिया, फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर नेक्स्ट हम धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा आगे करेंगे, अब हम 4 जो हैं वो फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 और धागा आगे करके 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बना देंगे। और लास्ट का फंदा जो है हमारा एस स्टिच, उसको हम सीधा बनाएंगे हमारी राइट साइड में। और देखिए रॉन्ग साइड में हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने उल्टा उतार लेना है। अब जो फंदा हमको जैसे दिख रहा है, सीधे का सीधा बुनेंगे, उल्टे का उल्टा। तो जैसे ये लास्ट के ये जो 3 स्टिच हमने हमारी राइट साइड में हमने उल्टे बने थे, तो यहाँ पे ये हमारे फंदे जो हैं वो सीधे बनाएंगे, हम इनको सीधे सीधे उतार ले सीधे सीधे बुन लेंगे। हम हमारी सारी रॉन्ग साइड में ऐसे ही करेंगे, जो जैसा दिख रहा है उसको हम वैसे बुनेंगे। ये 1 2 3, ये 3 फंदे हमारे सीधे थे, तो अब धागा आगे, ये हमारे जो ये हमें उल्टे दिख रहे हैं 5 फंदे, तो इनको हम इन 5 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। फिर धागा पीछे, जो यहाँ पे 4 उल्टे थे वो यहाँ पे सीधे होंगे, 1 2 3 4। फिर धागा पीछे आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और धागा आगे करके एज स्टिच हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने सारी रॉन्ग साइड्स में ऐसे ही करना है, जिसमें हम जो जैसा दिख रहा है, जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाएंगे, जो सीधा वो सीधा। तो ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब आई हमारी थर्ड रो। देखिए थर्ड रो में हम क्या करेंगे, ये वाला एज स्टिच ऐसे ले लिया, धागा आगे किया, फिर हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। ठीक है, 2 उल्टे बनाए, धागा पीछे किया। अब देखिए ये इन दोनों का हमने 2 का 1 करना है, सीधी साइड से बना के से 2 को इकट्ठे 2 का 1 कर दिया। ठीक है, फिर आगे एक फंदा बनाया हमने सीधा, फिर धागा आगे किया जाली बनाने के लिए, एक सीधा,
फिर हम इस यहीं पे एक दूसरी इस साइड भी जाली बनाएंगे, तो ये आगे किया और एक फंदा सीधा बना लेंगे, ठीक है। फिर हम इस फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट ये जो उल्टा वाला ही फंदा है इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे और बैक लूप से इनका दो का एक कर देंगे। ये इतना बना, इतना इतना वाला बना, ठीक है। अब हमारे सेकेंड इसमें धागा आगे करेंगे, एक फंदा दो फंदे सॉरी उल्टे बना लिए, फिर धागा पीछे, फिर सेम वही ये दो का एक किया, फिर एक सीधा बनाया, धागा आगे किया, यहाँ पे एक सीधा बनाया जाली बनाई, फिर इस पे धागा आगे किया जाली बनाने के लिए, एक सीधा और ये वाले फंदे को स्लिप और आगे वाला भी स्लिप और इनको बैक लूप से बना के एक साथ बुन देंगे और दो का एक, फिर धागा आगे किया और लास्ट के ये दो स्टिच जो है इनको हम उल्टा बनाएंगे और हमारी ये एज स्टिच हम सीधा बनाएंगे। तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब आए हम फोर्थ रो में, तो ये फोर्थ रो में हम जो जैसा दिख रहा है, जो सीधा है वो सीधा और जो उल्टा है वो उल्टा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए फोर्थ रो मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब हम आए इसकी फिफ्थ रो में। तो देखिए फिफ्थ रो में क्या करेंगे, पहला धागा ऐसे स्लिप किया सॉरी पहला फंदा स्लिप किया, धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बनाया, अब धागा हम पीछे लेके जाएंगे, फिर हम इनका ये वाला और ये दोनों का इकट्ठा दो का एक करके एक फंदा बना देंगे सीधा, ठीक है। फिर हम दो जो फंदे उनको सीधा बनाएंगे, एक और ये जाली वाला भी दो, और फिर धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए इस फंदे पे, फिर हम ये सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे जाली के लिए और दो सीधे, ये एक दो, और ये वाले फंदे को भी स्लिप और आगे वाला भी ये स्लिप करेंगे और दोनों को बैक लूप से दो का एक कर देंगे, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट। अब यहाँ भी सेम, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये दोनों फंदों को दो का एक कर देना है, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, धागा आगे किया, एक फंदा बनाया सीधा, ये जाली बन गई यहाँ, फिर धागा आगे किया जाली के लिए, दो सीधे बनाएंगे, एक दो, और फिर ये स्लिप स्लिप और इसका हम दो का एक कर देंगे, फिर ये नेक्स्ट वाला जो हमारा फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी जो सिक्स्थ रो है हम वो जो है सिक्स्थ रो में हम सिक्स्थ रो हम सारी ही उल्टी बनाएंगे। आप चाहें तो ये जो लास्ट के ये जो एक हमारा जो यहाँ पे हमने उल्टा बनाया उसको हम सीधा यहाँ पे सीधा बना सकते हैं ये वाला भी, पर मैं ये सारे के सारे फंदे जो है वो उल्टे बना दूंगी। सिक्स्थ रो सारी की सारी हम उल्टी बनाएंगे। सो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा बन गया है, तैयार हो गया इतना पोर्शन ये। तो देखिए मैंने पहले गलती से आपको बता दिया था कि ये फोर रोज रिपीट है, ये सिक्स रोज रिपीट पैटर्न है। तो यही छह रोज जो मैंने आपको अभी बताई है इन्हीं को हम रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से कितना सुंदर सी ऐसे बहुत ही सुंदर सी ये बनती हुई जाएगी ऊपर की ओर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स आप भी जरूर ट्राई करिएगा इस पैटर्न को और मेरे साथ शेयर भी जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।